This is Dr. Kabir Rajbir Singh. He is one of the best students ever graduated from Delhi Institute of Medical Science with an impeccable academic record. May I come in, sir? हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ सागर गारवे, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। दोस्तों, आज बात करेंगे मूवी कबीर सिंह के बारे में। क्या मुझे लगा वो मूवी देखकर, और कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो मैं आप सभी से शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि मैं देख रहा हूँ दोस्तों, पिछले एक 15-20 दिनों में वो मूवी ने काफ़ी कमाई वो मूवी कर चुका है, काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ उसके आ रहे हैं। कुछ लोग नाराज़ भी है, लेकिन कुछ लोगों के रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं। तो मैं इसे रिव्यू तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आप सभी से शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, मुझे ऐसा लगा कि ये जो मूवी है, इट्स नॉट अ इंस्पिरेशनल मूवी। वो मूवी ऐसा नहीं है कि वहाँ से कुछ इंस्पिरेशन हम ले सके, वहाँ से कुछ हम सीख सके, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जो हम सीख सकते हैं। हर एक चीज़ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम सीख सकते हैं। तो मुझे भी ऐसी कुछ चीज़ें उस मूवी के दौरान मिली जो मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ चीज़ें हमें कुछ बहुत कुछ सिखा देगी ज़िंदगी में। पहली इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, कि ये जो मूवी है, ये एक दफ़ा आप देख सकते हैं, इट्स जस्ट वन टाइम वॉच मूवी। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये मूवी आज का जो यूथ है, आज के जो स्टूडेंट है, उन पे एक गलत इम्पैक्ट छोड़ेगी। बिकॉज कैसा है, देखिए, हमारे सोसाइटी में होता यूँ है कि हम अच्छी चीज़ें लेने में, अच्छी चीज़ें अडॉप्ट करने में बहुत वक्त लगा देते हैं, मगर बुरी चीज़ें हम बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, बहुत ही जल्दी हम उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। जैसे कि वो मूवी में दिखाया गया है कि कबीर सिंह वो बहुत शराब पीता है, बहुत ही एडिक्टेड है, सिगरेट पीता है और काफ़ी सारी चीज़ें वो करता है, जिस जो आजकल के यूथ को ब्रो टाइप लगती है, प्रो टाइप लगती है, उन्हें लगता है कि वाओ या क्या टशन है भाई। लेकिन उस टशन के पीछे का प्रैक्टिकल लाइफ अगर हम देखेंगे तो वो काफ़ी अलग है। शाहिद कपूर एक मूवी में काम कर रहे हैं, उन्हें उसका पैसा मिल रहा है, इसलिए वो अपना 100% दे रहे हैं। ही इज़ गिविंग हिज 100% टू हिज एक्टिंग, एंड उन्होंने वो सारा एक्ट किया, वो सब कुछ दिखाया, मगर रियलिटी में वो वैसे नहीं है। यह आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और ये जो मूवी देखकर हमारे जो बंदे हैं, हमारे जो स्टूडेंट है, वो कुछ दूसरी तरफ जाएंगे तो दैट्स नॉट वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। दैट्स वाई मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, दैट्स वाई मैं कुछ ऐसी लर्निंग्स आपको देना चाहता हूँ कि जो उस मूवी से सीखने जैसी है। कुछ ऐसी बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों, कि भले ही कबीर सिंह को कई बुरी आदतें हैं, लेकिन आप ये मत भूलिए कि वो एक यूनिवर्सिटी टॉपर है। तो हम कहाँ पर है, हमें ये चेक करना चाहिए। दूसरी बात यह है दोस्तों कि वो एक फुटबॉल टीम के चैम्पियन है, तो हम कहाँ पे, हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तीसरी इम्पोर्टेंट बात है कि वो इंडिया के बेस्ट सर्जन में से एक है, और हम क्या है दोस्तों, पीपल आर जस्ट कंप्लीटेड देयर ग्रेजुएशन एंड दे आर फीलिंग लाइक कि मैंने बहुत कुछ कर लिया। सो दोस्तों, आपको आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूँ कि एक सर्जन की कमाई, एक दिन की कमाई 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 हो सकती है या होती भी है। क्योंकि एक सर्जरी अगर कोई सर्जन करता है तो उसके वो 2,00,000, 2,50,000, 5,00,000 एज़ पर हिज जो भी है उनका कैलकुलेशन, उसके अनुसार वो चार्ज करता है अपने पेशेंट को। तो दोस्तों, जो लोग ये फिल्म देखकर कुछ बुरी आदतों की ओर जा रहे हैं या जाना चाहते हैं, या उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो बुरी आदतें, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, वो पहले ये देख ले कि आपकी कमाई कितनी है। क्या आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो क्या आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी, क्या आपके पास इतना पैसा है कि आप अपने खुद को रिकवर कर सके। और एक इम्पॉर्टेंट बात और मैंने उसमें देखी कि शाहिद कपूर, जिन्हें कबीर सिंह बताया गया है, उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो भी काफ़ी स्ट्रांग होता है, वो एक अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करते हैं। सो दोस्तों, अगर आप इस मूवी को मूवी की तरह देखें, 3 घंटे एंजॉय करें, बाहर आके उस मूवी को भूल जाए, सो इट्स वेरी गुड।
बट अगर आप उस मूवी को दिमाग में लेके चले उसके जैसा करने की कोशिश करें, सो दैट्स नॉट पॉसिबल इन प्रैक्टिकल लाइफ, बिकॉज प्रैक्टिकल लाइफ इज सो फार डिफरेंट दैन द मूवी, यू ऑल नो इट. सो वंस अगेन जस्ट आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू कि मूवी में और प्रैक्टिकल जिंदगी में काफ़ी अंतर होता है, और हमें कभी भी किसी भी मूवी को फॉलो 100% नहीं करना चाहिए. हाँ, कुछ चीज़ें ऐसे होती है कि जिसमें से हम कुछ चीज़ें सीख सकते हैं, डेफिनेटली वो हमें फॉलो करना चाहिए. जैसे कि थ्री इडियट्स मूवी आया था, उसमें से काफ़ी चीज़ें हमको सीखने को मिली. द मांझी मूवी आया था, मांझी द माउंटेन मैन, उसमें से भी हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है. उसके साथ साथ तारे ज़मीन पर आया था, बहुत से ऐसे इंस्पिरेशनल मूवी थे कि जिनसे हमें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली है और मिलती है. हम कुछ चीज़ें सीखते हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम एक मूवी का रिव्यू किया था जिसका नाम था दे दे प्यार दे, उसमें से भी बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने के जैसी है. तो वैसे ही अगर कुछ चीज़ें सीखने जैसी है तो हमने ज़रूर सीखनी चाहिए, लेकिन अगर कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो हमने अवॉइड करनी चाहिए तो डेफिनेटली 101% हमने वो चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए. मगर होता यह है दोस्तों कि हमारे सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अच्छी चीज़ों को तो अडॉप्ट बहुत जल्दी नहीं कर पाते, लेकिन बुरी चीज़ों को बहुत ही क्विकली वो अडॉप्ट कर लेते हैं और उन चीज़ों को अपने ज़िंदगी में अप्लाई करना शुरू कर देते हैं. जब वो उन चीज़ों को अप्लाई करते हैं तो कुछ दिनों बाद उन्हें समझता है कि इसके जो इम्पैक्ट आ रहा है, इसके जो रिज़ल्ट आ रहे हैं, वो काफ़ी यू नो घटिया रिज़ल्ट उनके ज़िंदगी में आते हैं और तब तक वो काफ़ी दूर चले जाते हैं. सो इसलिए मैं ये वीडियो आज मैंने बनाया है कि मैं अपने दोस्तों को, अपने जो भी यू नो यूथ है, जो स्टूडेंट्स है, उनको ये बता सकूँ कि मूवी को मूवी की तरह देखिए और थिएटर के बाहर आते ही उसे छोड़ दीजिए. ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं इस दुनिया में जो हम सीख सकते हैं. आपको एंजॉय करना है बिल्कुल कीजिए, 100% कीजिए, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन रख के कीजिए. और पेरेंट्स को भी मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आपके बच्चे उस मूवी में, एक सीन जो बताया गया है कि कबीर सिंह के पापा यानी जो शाहिद कपूर के पापा हैं, वो उन्हें कुछ भी यू नो बोलते नहीं, टोकते नहीं, उन्हें सिर्फ घर से निकाल देते हैं, इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि उन्हें उसकी परवाह नहीं है. उन्हें उसकी बहुत परवाह होती है, मगर वो जानते हैं कि मैं जितना इसे प्रेशराइज करूँगा उतना ही और इन ये उन आदतों के पास जाएगा, ना कि मेरे पास आएगा. सो एट दैट मोमेंट वो इम्पोर्टेंट था कि उन्होंने उसे छूट दी कि देख भाई, तेरी ज़िंदगी है, तुझे क्या करना है, दैट्स योर चॉइस. और वो उन्होंने एक साल की एक ज़िंदगी उन्होंने जी, उसके बाद उन्हें रियलाइज़ हुआ कि जो ज़िंदगी मैं जी रहा हूँ वो कुछ भी काम के नहीं है और उसके कुछ भी यू नो रिज़ल्ट नहीं आने वाले. और आफ्टर दैट वो सडनली चेंज हो जाते हैं, उनका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है, एवरीथिंग हैपन, एंड वो फिर एक सही राह पे आते हैं जिनकी तलाश में वो होते हैं, जिन्हें प्रीति बताया गया है उस मूवी में. एक लव स्टोरी है, बहुत ही बेहतरीन लव स्टोरी है. तो उन्हें जब उनका प्यार वापस मिल जाता है तो वो एक सही राह पर चल पड़ते हैं और आखिर में एवरीथिंग इज़ यू नो फिट एंड गुड, जैसे कि हर मूवी में होता है. यू नो एंडिंग अगर अच्छी है तो यू नो सब कुछ अच्छा होता है. सो वैसे ही इस मूवी में हुआ है. मुझे मूवी पर्सनली अगर पूछे तो बहुत पसंद आई है. बस वो कुछ चीज़ें जो दिखाई गई है एडिक्शन के बारे में वो छोड़कर, बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि इसका इम्पैक्ट जो है सोसाइटी पे, स्टूडेंट्स पे, यूथ पे गलत होने वाला है. मगर आज का स्टूडेंट, आज का यूथ मैं जानता हूँ वो काफ़ी समझदार है और वो काफ़ी हद तक ये सारी चीज़ें जानते हैं कि कौन सी चीज़ हमें करनी चाहिए, कौन सी चीज़ हमें अवॉइड करनी चाहिए. तो दोस्तों बस यही मेरा आज आप सभी के लिए मैसेज था. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इस वीडियो को स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए, यूथ के साथ शेयर कीजिए. और अगर सही में आपको वीडियो पसंद आया तो इस लाइक बटन को हिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो, और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो आपको मिलते रहे. दोस्तों सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है तो आप बिल्कुल ही सब्सक्राइब कर सकते हैं. थैंक यू, धन्यवाद, गॉड ब्लेस.